दोस्तों, कोई देश जब किसी भी तरह के खेल का आयोजन करता है तो ये उस देश में रहने वाले लोगों के लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश भी इस खेल के महाकुंभ में भाग लेते हैं और सफल आयोजन करने पर आपका दुनिया में नाम होता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश ऐसे खेल का आयोजन करे और उसकी बदनामी अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया में हो जाए? अगर नहीं तो आपको बताते हैं कि वो साल था जब दिल्ली के आयोजित खेलों की वजह से देश की राजधानी दिल्ली पूरी दुनिया में बदनाम हो गई थी। आइए जानते हैं इसी घोटाले के बारे में। 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इन खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले सभी एथलीट्स ने अलग अलग गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर भारत की झोली में 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 36 कांस्य पदक डाल दिए थे। इन राष्ट्रमंडल खेलों में कुल मिलाकर भारत ने 101 पदक जीते और हमारा देश इस मेडल टैली में दूसरे स्थान पर रहा था। हालांकि भारतीय एथलीटों के इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद जब जब कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का नाम आता है तब तब देश के करोड़ों लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। इसकी वजह थी कि वो आयोजक जिन्होंने खेल की आड़ में भ्रष्टाचार का ऐसा महाखेल खेला जिसके बाद दुनिया में भारत की खूब बदनामी हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में होने वाले घोटालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इन्हें पकड़ पाना आसान नहीं था। कॉमनवेल्थ घोटाला अपने आयोजकों के अगले साल यानी 2011 में दुनिया के सामने आया और इसे भारत में हुए सबसे बड़े घोटालों में से एक कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में देश को लगभग 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस पूरे घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी आयोजन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस सांसद सुरेश कलमाड़ी थे, जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के खत्म होने पर 193 दिन बाद 25 अप्रैल 2011 को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कलमाड़ी पर सीडब्ल्यूजी गेम्स से जुड़े दस्तावेज को दोगुनी और ज्यादा कीमत पर खरीदने का आरोप था। कलमाड़ी के खिलाफ दायर हुई चार्जशीट में उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और 420 करने का आरोप लगाया गया था। साल 2010 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सरकार ने 4 स्टेडियम बनाने की परमिशन दी थी और इसके लिए भारी भरकम बजट भी घोषित किया गया। इन स्टेडियम्स को बनाने के लिए सैंक्शन बजट किया गया। बजट एक्चुअल स्पेंड की गई अमाउंट से काफी बड़ा था। घोटाले के उजागर होने के बाद जब ये स्टेट लोगों और कोर्ट तक पहुंचे तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि स्टेडियम को बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था लेकिन इसे बनाने में 2,400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जो दोगुने से भी ज्यादा थे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की 28 जुलाई 2010 को आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि खेल आयोजकों ने ऐसी कंपनियों को पैसा दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये घोटाला काफी बड़े लेवल पर किया गया, क्योंकि स्टेडियम बनाने से लेकर खेलों का सामान खरीदने तक सभी चीजों को कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया था। इतना ही नहीं, सरकारी बजट को चूना लगाने के लिए इन घोटालेबाजों ने इन सामान के फर्जी बिल भी बना लिए। कलमाड़ी की आयोजन समिति से जुड़े कुछ अधिकारियों ने बाजार में 80 रुपए में मिलने वाले टॉयलेट पेपर को 6400 रुपए में खरीदा। आमतौर पर बाथरूम में लगने वाला अच्छे से अच्छा शीशा भी बाजार में 3,000 से 4,000 रुपए में मिल जाता है, लेकिन सुरेश कलमाड़ी के घोटालेबाज आयोजन समिति के कुछ लोगों ने इन शीशों के लिए 17,600 रुपए खर्च कर दिए, जबकि बाथरूम में लगने वाले इन शीशों की असली कीमत उस वक्त सिर्फ 3,486 रुपए थी। खेल आयोजकों ने 300 रुपए में मिलने वाला साबुन का डिस्पेंसर 10,000 रुपए में खरीदा। जरा सोच कर देखिए, ऐसा करते हुए उनको जरा भी शर्म नहीं आई। इसके साथ ही जिस ट्रेनिंग मशीन की बाजार में 9,00,000 रुपए कीमत थी, सुरेश कलमाड़ी की अध्यक्षता वाली आयोजन समिति ने 2 करोड़ की भारी भरकम अमाउंट खर्च कर दी। सरकारी पैसे पर आयोजन समिति के कई लोगों ने जमकर मौज उड़ाई। ये घोटाला काफी बड़ा था, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के वेन्यू कंस्ट्रक्शन में भी आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी की मिली भगत से जबरदस्त खपलेबाजी हुई। जब आयोजन समिति के कुछ अधिकारियों को इस बात का पता चला कि सीडब्ल्यूजी गेम्स में बड़े लेवल पर फ्रॉड किया जा रहा है, तो 5 अगस्त 2010 को कॉमनवेल्थ गेम्स के संयुक्त निदेशक टीएस दरबारी और एम जयचंद्रन की छुट्टी कर दी गई। इस घोटालों के महाकुंभ में आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष अनिल खन्ना भी बुरी तरह फंस गए और उन्हें भी अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा। अनिल खन्ना पर टेनिस कोर्ट बनाने के लिए अपने बेटे की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, घोटालों की लिस्ट काफी लंबी थी।
क्योंकि टाइम स्कोरिंग रिजल्ट मशीन घोटाले में खुद CWG आयोजक समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी का हाथ था। कलमाड़ी पर आरोप था कि उन्होंने कंपनियों की अर्जी दाखिल करने से पहले ही एक स्विस कंपनी को मनमाने ढंग से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। टाइम स्कोरिंग रिजल्ट मशीन के लिए 4 नवंबर 2009 को टेंडर खोला गया था, जबकि स्विस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट 12 अक्टूबर 2009 को ही मिल चुका था। आपको बता दें कि स्विस कंपनी को इस खेल के आयोजकों ने 157 करोड़ रुपए चुकाए, जबकि स्पेन की एक कंपनी यही काम 62 करोड़ रुपए में कर सकती थी। कलमाड़ी ने CWG के पास किए गए बजट को पानी की तरह खर्च किया और उनके देश के खिलाफ लिए गए फैसले की वजह से भारत सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। घोटाले की इस लिस्ट में कई बड़े नेताओं पर आरोप लगे थे, जिसमें सुरेश कलमाड़ी के साथ दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी शामिल था। CBI के दाखिल चार्जशीट में कलमाड़ी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। साल 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुरेश कलमाड़ी, सेक्रेटरी जनरल ललित भनोट तथा 9 अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, चोरी, आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप तय किए गए थे। CBI के चार्जशीट में लिखा गया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देश को करीब 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इन सभी पर IPC और भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। इनमें से एक धारा 420 की भी थी, जो बेईमानी और धोखाधड़ी करने पर लगाई जाती है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान स्ट्रीट लाइट्स के घोटाले में कोर्ट ने 5 लोगों को सजा सुनाई थी। अदालत ने 5 में से 4 लोगों को 4-4 साल की सजा का ऐलान किया था। देश की छवि को धूमिल करने वाले घोटाले के दोषियों में से एक स्वेका पावर टेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर TP सिंह थे। कोर्ट ने उन्हें मुख्य आरोपी मानते हुए 6 साल की सजा सुनाई। इस मामले में बाकी के 4 आरोपी नगर निगम के अधिकारी थे, जिन्हें घोटाले, फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी के आरोप में 4-4 साल की सजा मिली। जहां तक सुरेश कलमाड़ी की बात है, तो CBI ने उन्हें अप्रैल 2011 में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सुरेश कलमाड़ी 9 महीने तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहे थे। इसके बाद कॉमनवेल्थ खेलों में घोटाले के आरोपी और भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के वकील ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद कोई ठोस सबूत न मिलने पर सुरेश कलमाड़ी को छोड़ दिया गया और 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों ने भारत की छवि को ऐसा धूमिल किया जिसका भारत के लिए दाग मिटा पाना काफी मुश्किल काम है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों को हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार आयोजन 1930 में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स और 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। एशिया में अभी तक 2 बार ही राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस घोटाले के बाद भारत को फिर किसी बड़े खेल की मेजबानी मिल पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।